राइट, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वेशंस बनाते हैं और फिर एलिमिनेट करके कैसे टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, इसकी बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल ही सिंपल स्टेप में समझाया था और शायद ही वहां पे कोई पॉइंट मैंने स्किप किया हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने किया था वहां पर भी मैंने सभी टर्म्स बताए थे कि कब कैसे कौन सा स्टेप लेना है, सारी चीजें मैंने वहां पे क्लियर की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लेकर देख सकते हो। आज हम समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हमें मिलती हैं तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल होती है, कोई भी भूत नहीं है कि आप उनको देख के डर जाओ, बस क्वेश्चन में जो कहा है वही हमको करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट वन है, ये एक्सरसाइज 3.3 न्यू पैटर्न है जो आपका, उसके बेस पे। अब यहाँ पे करें, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 क्या करें, देखो लिखा हुआ है ऐड करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा नया फ्रैक्शन बनता है वो 1 रह जाता है, यही कहा है ना। तो जो फ्रैक्शन बनता है उसमें दो ही चीजें होती है, 1 न्यूमरेटर, सेकेंड डिनोमिनेटर। तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन डालेंगे और अज्यूम करेंगे लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को हम अज्यूम करेंगे x एंड देन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम अज्यूम कर लेंगे y। तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन y के टर्म्स में, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो कह रही है हम वही करेंगे, उसने कहा कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, तो हमने न्यूमरेटर हमारा x था उसमें 1 ऐड कर दिया। फिर उसने कहा डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो जो हमारा डिनोमिनेटर था y उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये हमारा फ्रैक्शन बना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो फ्रैक्शन रह गया 1। तो ये दोनों चीजें तो सेम ही है ना, इक्वल है, ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब यहां से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उठा के इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, यानी कि ये 1 को उधर और y को इधर लेके आ जाते हैं। या आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज हम यहाँ से क्या कर सकते थे, x की वैल्यू निकाल के उधर सेपरेट कर सकते थे। तो हम y को इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई, ठीक है, इस y को ट्रांसफर करिए और 1 को उधर कर लेंगे, तो माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन पे, इतना हमने कर लिया, सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम कुछ करेंगे नहीं, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से न्यूमरेटर में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया। अब जो हमारा फ्रैक्शन बना ये क्या रह गया, 1/2, तो इसको भी हम कर देंगे 1/2। अब सॉल्व करेंगे, सो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, सबको पता है ये चीज, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा आपका 2x is equals to y plus 1, it means 2x minus y is equals to 1, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, है ना, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दिख रहा है कि दोनों में y और y सेम है, तो हम सिंपल इनको रखेंगे, इसी के नीचे रख देते हैं, तो आपकी इक्वेशन है 2x minus y is equals to 1 और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x minus y is equals to minus 2। अब दोनों के साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि यहां होगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस और यहां भी हो जाएगा प्लस, तो ये y से y कट गया और 2x में से एक x घट गया, तो क्या बचेगा, x, और यहां पे ये प्लस का 2। देखो चेंज करने के बाद इस साइन को मत देख लेना, ये साइन अब खत्म है, ये साइन खत्म हो गया अभी, है ना, इसको नहीं देखना, प्लस का 2 प्लस का 1 क्या हो गया 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 में या इसमें पुट कर दो, चलो मैं यहीं पुट कर देती हूँ,
इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एंड 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये समझ आ रहा होगा ना, 1 माइनस 6, सो y इज इक्वल टू 5। अब फिर से दिमाग में बात आई कि हमने क्या किया, सही किया या गलत किया। तो सबसे पहले तो अपना फ्रैक्शन बना लेते क्या बना। जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जो हमारा फ्रैक्शन जो हमने बनाया था वो क्या था, x अपॉन y। तो x हमारा क्या निकला 3 और y है 2, तो जो फ्रैक्शन बना वो बना 3 by 5 बना। अब जरा फर्स्ट कंडीशन को देखो, अगर हम ऐड करें 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जरा करो, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 = 4, और डिनोमिनेटर से 1 रिड्यूस कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 4 हो जाएगा। सो 4 by 4 क्या होता है 1, तो मतलब यहाँ पे कहा था ना उसने कि 1 हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन को जरा देखो चेक करके, ऊपर हमने कोई चेंज नहीं करा मतलब 3, और नीचे क्या किया था डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया था, तो 5 + 1 = 6, देन इट बिकम्स 1/2, ये भी सही है। तो हर चीज आप चेक कर सकते हो, पर डाउट नहीं रखना है, शांति से सॉल्व करते जाना है। समझ आया, अगर आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको ये चीजें समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दूसरे टाइप का है। 5 years ago नूरी वाज साइंस, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस था, मैंने पहले भी आपको करवाए हैं जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज थी, वहां पे भी की, मेथड अलग था बट इक्वेशन बनाने का प्रोसेस सेम ही है। तो वहां से यहां से और भी ऐसे वीडियोस आएंगे जहां पे मैं आपको अलग सेपरेट वीडियोस बना के दूंगी, जब आप एज से रिलेटेड अलग वीडियोस होंगे, आपके जो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके अलग वीडियोस, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, और आपका जो ये वाला जो अभी पहले हमने किया फ्रैक्शन वाला उसका भी एक अलग से वीडियो होगा, जहां पे हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा अपनी बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दो लोगों की एज को कंपेयर किया गया है, कौन कौन है वो, नूरी और सोनू। देखो 5 साल पहले की बात की है, ठीक है, और 10 साल बाद की बात की है, बट चाहिए उनको प्रेजेंट एज, ठीक है, हाउ ओल्ड आर लिखा है ना, आज कितनी एज है उनकी, तो प्रेजेंट एज पूछी है तो हम प्रेजेंट एज को ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, लेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पूछा जाता है हम उसी को अज्यूम करते हैं, नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है, नूरी की आज की एज कितनी है, हम सपोज कर लेते हैं एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स। और दूसरा कौन है साथी उसका, सोनू, तो सोनू की भी हम प्रेजेंट एज मार देते हैं, प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स, ठीक है, वाई ईयर्स मार दिया। अब आज से 10 साल पहले, तो बच्चों आज से 10 साल पहले नूरी की उम्र घटेगी या बढ़ेगी, भाई अगर आज मेरी उम्र सपोज 30 है तो आज से 5 साल पहले तो मैं 25 की रही होंगी ना, और आज से 10 साल बाद कितने की हो जाऊंगी, 40 की। तो बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस, तो पहले हमें उस समय में जाना पड़ेगा, जाते हैं, ठीक है, कैसे जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे 5 years ago, 5 years ago, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, नूरीज एज, नूरी की एज कितनी होगी, x माइनस 5 होगी, ठीक है, और सोनू की एज कितनी होगी, सोनू की एज होगी y माइनस 5, ठीक है, 5 साल पहले की बात है। अब कह क्या रहे हैं, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है उसकी उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना है, 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना है, तो देखो ये रही नूरी की उम्र, ठीक है, x माइनस 5 5 साल पहले की, और ये रही सोनू की उम्र 5 साल पहले की। अब बताओ नूरी ऑलरेडी 3 times है, तो मैं सोनू को 3 times कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, भाई नूरी अगर 15 की होगी तो सोनू 5 का होगा ना, यही तो होता है रेशियो, तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 15 का हो गया। अब यहां से इक्वेशन बना लो, ये बनेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ट्रांसफर करो, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये प्लस का y, तो माइनस का 10 बचेगा,
ये बन गई इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अब सेकेंड को देखो, सेकेंड क्या कह रहे हैं, 10 साल बाद। ठीक है, अब 10 साल बाद के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं कहां लिख दू, यहां लिख देती हूँ। ठीक है, 10 years later, लेटर के लिए देखो, 10 year later नूरीज एज। देखो सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको लिख के ही बता रही हूँ। नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10। ठीक है, और सोनूज एज, सोनू की एज कितनी होगी, y प्लस 10 होगी। लेकिन अब हुआ क्या, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी कितना रह गई, डबल रह गई। तो फिर से बना लो, x प्लस 10 ये रही नूरी जी, और ये रहे y प्लस 10 सोनू जी की उम्र। ये डबल है, ट्वाइस है, तो इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, दोनों हो गए बराबर। बस आपको यही देखना है, जो ट्वाइस है उसको छोड़ दो, सामने वाले को दे दो ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, कई बार बच्चे 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 times, 3 times, 2 times, 3 times, इन वर्ड्स को ध्यान से समझना है। अब इक्वेशन बनेगी, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, 10 प्लस का 10। ठीक है, तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब अच्छी बात ये है, इन दोनों में x के टर्म्स बराबर है। देखो यहाँ पे, इधर भी x और इधर भी x, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। लगाओ साइन निगेटिव का, साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करना है ना हमने, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। तो ये x से x गए कट, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो बचेगा माइनस का y, और ये हो गया माइनस का 20। सो y इज इक्वल टू 20। कौन हमने माना था y, y हमने माना था सोनू को, तो सोनू की उम्र आ गई 20 साल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, किसकी उम्र निकालनी है, नूरी की। तो नूरी के लिए क्या करो, किसी एक में भी रख दो, सपोज मैं इसी में रख देती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y यानी 22 जा 40 इज इक्वल टू क्या था हमारा, 10। तो ये कितना बचा, x इज इक्वल टू, ये 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 years। ये आ गई नूरी की एज और ये आ गई सोनू की एज। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो जरा, हम टैली करके देखते हैं। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तो जो नूरी मैडम है वो कितने साल की होंगी, 5 years ago जो नूरी होगी वो होगी 45 की, है ना, और जो सोनू होगा वो होगा 15 का, है ना, 3 का रेशियो, 15, 3 जा 45। आप सेकेंड भी ऐसे ही करके देख सकते हो। आई होप समझ आ रहा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझा दिया है आपको, कोशिश करिए कि कोई भी चीज उसके ना हो मेरे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। 2 digit का एक नंबर है, उसकी डिजिट का सम करें तो 9 आता है। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. अब इस नंबर का जो 2 digit का नंबर है, इसका अगर हम 9 times कर दें, ठीक है, वो नंबर, और फिर उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें वो नंबर में, क्या रेशियो है, 9 times, मतलब 9 times मतलब 9 गुने का रेशियो है। नहीं समझ आ रहा है, देख सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, लेट यूनिट प्लेस, क्योंकि 2 digit के नंबर की बात है तो उसमें यूनिट प्लेस होगा और टेंस प्लेस होगा, है ना। जैसे हम 23 लिखते हैं तो 3 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, और 2 कहाँ है, टेंस प्लेस पे। तो ये बना कैसे, 20 plus 3, ऐसे ही तो बना ना। ठीक है, तो ऐसे ही हम उस नंबर को भी अज्यूम करेंगे, तो यूनिट प्लेस डिजिट मानेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट को मानेंगे x। ठीक है, और टेंस प्लेस पे जो है देखेंगे, टेंस प्लेस डिजिट उसको मानेंगे y। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है,
ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, टेन वाई प्लस एक्स की फॉर्म में। अभी आपको समझाया था ना, टेंस प्लेस पे है तो टेन का मल्टीप्लाई कर देंगे वाई में, वाई है ना टेंस प्लेस पे, सो टेन वाई। एक्स प्लेस, एक्स कहाँ है, यूनिट प्लेस पे, तो एक्स। जैसे भी आपको समझाया था 23, तो 20 प्लस 3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 10 में। ठीक, अब रिवर्स की भी बात करी गई है। देखो यहाँ पे सारे टर्म्स को लिख लेते हैं पहले। टू डिजिट वाला नंबर क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले अपने टर्म्स को लिख डालो कि किस किस चीज की बात करी है। उसने बात करी है कि एक टू डिजिट का नंबर है, तो हमने बना लिया कि यूनिट प्लेस पे अगर एक्स है और टेंस प्लेस पे वाई है तो जो नंबर की फॉर्म होगी वो ऐसा ही होगा, ओरिजिनल नंबर ऐसा ही होगा। अब उसने कहा रिवर्स करो इसकी डिजिट्स को, तो हम लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। ठीक है, नंबर इज इक्वल, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर कैसा हो जाएगा, 10x प्लस y, x की जगह y ले लेगा और y की जगह x ले लेगा। इतना आपको कर लेना है जब दो डिजिट का, मतलब टू डिजिट वाले क्वेश्चंस आए तो इतना तो फिक्स्ड है कि कर ही लो। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। अब पढ़ो, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, इसके डिजिट्स का सम, तो डिजिट तो यही है ना x एंड y, तो इसके डिजिट्स का सम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 9 है। लिखो फटाफट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग। अब देखो जो कहा है वही करो, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये नंबर, तो हम लिखेंगे 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x। ठीक है, इज, अब इज लगाए ना तो इसको आप ऐसे सोच लो कि इज इक्वल टू है ये। ठीक है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स, सो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स, हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, सबको ट्रांसफर कर लो तो 90y में से 2y चला जाएगा, कितना बचेगा, 88y बचेगा, और 9 और ये 20 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि कई बार ये चीज बता चुकी हूँ कि 20 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इक्वल टू में रह गया 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, यहां से 11 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में से अगर मैं 11 को कॉमन लू तो 11 कॉमन लेने के बाद बचेगा 8x, और यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 8 क्या बचेगा, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 11 को ले जाओ, खत्म करो, और इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, माइनस का एक्स प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन इसी टर्म में थी तो हमें आसानी होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इसी के नीचे लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब आपको क्लियर दिख रहा है x के साइन अलग है, तो हम ऐड कर देते हैं इन दोनों में, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, x और x कट गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 1। अब y 1 है तो x कितना होगा, सिंपल है, कौन सी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में ही रख दो, तो x प्लस y इज इक्वल टू था 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 8। अब बनाओ जरा नंबर, पूछा ना फाइंड द नंबर, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो नंबर क्या है, 10y प्लस x, ये है ना नंबर 10y प्लस x, सो 10y यानी 10 इंटू वाई की जगह पे 1, और प्लस x यानी कि 8, तो कितना बन गया 10 प्लस 8 18। अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स करें तो क्या बनेगा, 81 बनेगा, है ना 81। तो देखो दोनों की डिजिट का सम 9 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको और इसको जरा सेकेंड कंडीशन के हिसाब से भी रख के देखो कि ओरिजिनल का 9 टाइम्स करो और दूसरे का डबल, तो बराबर आना चाहिए। देखो अगर हम 18 इंटू 9 करें तो 9 8 जा 72, 7 162 मिलता है,
और 81 का डबल करें तो भी मिलता है 162। तो यही तो उसने कहा था कि नए वाले का 9 टाइम्स करो और पुराने वाले का डबल बराबर आना चाहिए, वो भी सेम आ रहा है। तो समझ आ रही ना चीजें कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करते जाएंगे कि 2 सेकेंड लगते हैं आंसर चेक करने में। डाउट में रहना ही नहीं है, क्यों रहना है डाउट में जबकि चेक करना हमें आता है। हो गया, आगे समझ, चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 and 100 रुपीज नोट ओनली एंड शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स 50 and 100 शी रिसीव्ड। अब मीना, ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, चलो फिर भी हम करते हैं। मीना ने 50 के और 100 के नोट मांगे हैं। अब हमसे पूछा गया है कि उसे कितने 50 के नोट मिले होंगे, कितने 100 के नोट मिले होंगे। तो 50 और 100 की बात हो रही है, उन्हीं को हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो फिर से हम सॉल्यूशन डालेंगे और सपोज करेंगे कि लेट 50 रुपी नोट, देखो बहुत इजी है, आराम से लेना है इन चीजों को। पूछा था 50 के 100 के कितने नोट होंगे, तो हम मान लेते 50 के नोट होंगे x, ठीक है, और 100 रुपीज के नोट होंगे y, इतना ही तो कहा था, ठीक है। अब उसने कहा कि she got 25 notes, यानी 50 और 100 के मिला के उसको टोटल 25 नोट मिले ना, यानी फर्स्ट कंडीशन तो बन गई कि x प्लस y हम करें तो कितना होना चाहिए 25, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। अब सेकेंड में टोटल मनी कितना है, अमाउंट कितनी है 2000, तो ये 50 और 100 के नोट मिला के ही 2000 हुए ना। तो देखो बनाएंगे कैसे, 50 रुपीज के नोट है x, तो क्या लिखेंगे 50x, 100 रुपीज के नोट है y, तो लिख देंगे 100y। टोटल अमाउंट कितनी बनी 2000 रुपए। कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। सो अगर हम 50 को कॉमन ले लें, 50 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब ये 50 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। सो 0 से 0 कट, 5 से 5, 4 जा 20, 40। तो आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन यहां पे देख, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या दिख रहा है आपको, x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। देखो फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। सो x प्लस y इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना, साइन चेंज करना है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो क्या करेंगे, साइन करेंगे माइनस का, यहां भी करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, माइनस के 2y माइनस y, सो माइनस का y बचेगा, माइनस का 40 प्लस का 25 कितना बचेगा 15 बचेगा, माइनस का कट गए। सो y इज इक्वल्स टू 50, मतलब y हमने किसको अज्यूम किया था, 100 रुपए के नोट मिले 15। अब सिंपल सी बात है, x कितना मिलेगा उसको, टोटल 25 नोट मिले थे ना, 25 में से 100 वाले निकाल दो 15, तो x कितना हो गया 10, मतलब 10 नोट उसको मिल गए किसके 50 के, और 15 नोट मिल गए उसको 100 के। टोटल अमाउंट जरा जोड़ के देख लो, हो जाएगी 2000। आया ना समझ में क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे इजी लेकिन सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना मुझे, अदरवाइज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड देन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ये यहाँ पे गैप देना भूल गए। एंड सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज while Shushi pays 21 for, okay। तो ये कहा गया है कि lending library, lending library का मतलब समझते हो ना, जहाँ से हम किताबें उधार लेते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस कर देते हैं, तो हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बट ये लाइब्रेरी थोड़ी सी अलग है, ये क्या कह रही है कि पहले 3 दिन का तो हमारा फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन हम फिक्स चार्ज ही लेंगे फर्स्ट 3 डेज के लिए। 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो फिर हम आपसे एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, वो चार्ज अलग होगा।
तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज की बात करेंगे, फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकेंड इज एडिशनल। तो हम दोनों को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो चले फटाफट से अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन। लेट फिक्स्ड चार्ज, हम बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज कितना है, एक्स रुपीस, ठीक है। और जो उसका एडिशनल चार्ज फॉर पर डे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से जो लेता है वो है वाई रुपीज, ठीक, इतना हमने मान लिया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि जो सरिता है उसने 27 रुपीज दिए, लेकिन उसने बुक कितने दिन के लिए रखी, 7 डेज के लिए रखी है। तो 7 डेज का तो वो चार्ज देगी एडिशनल, या फिर कैसे निकाले। तो देखो ये 7 डेज में 3 डेज तो उसके फिक्स थे ना, फिक्स चार्ज के लिए, बचे 4 दिन जिसके लिए उसने एडिशनल पे किया होगा, मतलब 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था, 3 दिन का चार्ज कितना था, एक्स रुपीज। अब बचे 4 दिन, तो 4 दिन का कितना पे करेगी, 4y पे करेगी। अब इन दोनों को जोड़कर उसने पैसा कितना दिया, 27 रुपीज दिया ना, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिन के लिए उसने किताब ली उधार, इस 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स चार्ज लिया होगा ना उसने, 3 दिन का फिक्स चार्ज, बचे फिर 4 दिन, 4 दिन का लिया उसने एडिशनल चार्ज, तो 3 दिन का चार्ज कितना हमने जिम किया, फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज, एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से निकालो तो कितना हो गया 4y, टोटल मिला के कितना उसने दिया 27, इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही फटाफट सेकेंड बनाएंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 5 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए, 21। अब 5 में भी देखो तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होगा एक्स रुपीज, 5 में से 3 निकाल दो तो 2 दिन का उसने एडिशनल दिया होगा 2y, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3 दिन का फिक्स्ड हो गया एक्स रुपीज और एडिशनल चार्ज 2 दिन का हो गया 2y, टोटल रुपए कितने दिए, 21 रुपए। अब यहाँ तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर डालो, इक्वेशन आपके सामने बनी रखी है, एक्स और एक्स वाई बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे 4y माइनस 2y कितना बचेगा 2y, एंड 27 माइनस 21 6, सो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, y 3 आ गया, तो फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में रख दो, जिसमें रख दो, सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 में फर्स्ट में रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट करेंगे तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, मीन x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 7 माइनस 2 5 एंड देन 1 15, ठीक है, 15 रुपए। तो जो हमने x माना था वो किसको माना था, फिक्स चार्ज को, तो फिक्स चार्ज कितना लिया, 15 रुपए लिया, और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से उसने 3 रुपए लिया।